हरेला पर्व के मौके पर समूचे उत्तराखंड में पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। इन सबके बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सालों से पर्यावरण रक्षा के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी से प्रेरित देहरादून में एक सरकारी डॉक्टर ने छत पर सब्जियां उगाकर पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण जागरूकता और स्वास्थ्य शरीर का संदेश दे रहे हैं। शहरों में रहने वाले लोग इसलिए परेशान रहते हैं कि वो कैसे सब्जियां उगाएं, क्योंकि शहरों में इतनी जमीन नहीं होती है। लेकिन कोरोनेशन अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर बीसी रमोला ने इसके विकल्प की तलाश के लिए पिछले कई सालों से अपने घर की छत पर सब्जियां उगा रहे हैं, जो शहर के लोगों के लिए मिसाल बनी है। उत्तरकाशी के बड़कोट में पखवाड़े और गोष्ठियों तक स्वच्छता अभियान सीमित रह गया है। यमुनोत्री धाम में स्वच्छता के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। वहीं यमुनोत्री धाम के पहले पड़ाव जानकी चट्टी में बस स्टैंड के पास कूड़ा निस्तारण के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे सारी गंदगी सीधे यमुना नदी में जा रही है। पहाड़ों पर स्वच्छता पखवाड़ा सिर्फ फोटो सेशन और गोष्ठियों तक ही सीमित रह गया है, जिससे पर्यावरण तो दूषित हो ही रहा है, साथ ही पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छता अभियान को भी पलीता लग रहा है। यमुना में जो है सारी गंदगी जो है यमुना में खुलेआम डाली जा रही है, किसी का ध्यान उस पर नहीं है। आपने यहाँ पर अभी देखा है, संज्ञान भी लिया होगा इसका, जो शौचालय बना हुआ है पूरा मल मूत्र सीधा यमुना में डाला जा रहा है पूरा हिसाब, उसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा। यहाँ पर किस प्रकार के स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, किस प्रकार के ये आयोजन किए जाते हैं, और जहाँ पर क्योंकि यहाँ पर उसी जगह पर लोग खड़े हो जाएंगे, लोगों को टोपी पहना करके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वाकई में यमुना की क्या स्थिति है वो आप लोग देख लीजिए, और यमुना का सारा जो 6 माह की जो पूरी गंदगी है वो सीधे खुलेआम यमुना में डाला जा रहा है, पूरा रिसाव हो रहा है। आपको मैंने अभी संज्ञान भी दिलाया, उसको दिखाया भी है पूरा शौचालय। और इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए लाइव के साथ।